एक्चुअली मैं पहली बार नहीं आ रही हूँ, मैं पिछले साल भी आई थी, उसके पहले साल भी आई थी. इनफैक्ट मैंने इन्हीं से एक पपी भी अडॉप्ट किया था. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि बहुत आई कम्प्लीटली यू नो सपोर्ट द फैक्ट जो यूज़ करते हैं ना, दैट अडॉप्ट डोंट शॉप. सो आई थिंक दैट इज़ अबाउट इट. मैं ना हमारे इतने फैंटेसीज होती है कि हमको ये डॉग चाहिए, हमको ये ब्रीड चाहिए, वो ब्रीड चाहिए, बट वॉट अबाउट द स्ट्रेज? आई मीन पारिया इज एक्चुअली आर नेशनल क्या बोलते हैं ब्रीड ऑफ डॉग. सो आई थिंक दे नीड होम्स टू. एंड आई मीन आई ऑल्सो फील कि यू नो एक घर में एक डॉग होने से पूरा एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाता है. आई मीन कोई खुश हो ना हो, तुम्हारा कुत्ता ज़रूर खुश होगा तुम घर में आए तब. मैं मेरे घर पे डॉग्स मेरे बॉर्न होने के पहले से थे. सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वेयर माई लव कम्स फॉर देम. बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मतलब स्कूल डेज में आई हैड अ डॉग पोमरेनियन, एंड वो उसकी आदत थी कि घर का अगर दरवाज़ा खुला रहता था वो भाग जाता था, मतलब भाग जाता था, नीचे जाता था, घूम फिर के वापस आ जाता था. तो एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी, तो आई सॉ माई डॉग इन द गार्डन एरिया एंड आई स्लैप्ड हिम एंड देन ही रैन अवे फॉर 3 days. और बारिश की सीज़न थी, ही केम बैक आफ्टर 3 days फुल कीचड़ में लिपटा हुआ, एंड देन ऑब्वियसली फेल सिक एंड देन ही पास्ड अवे. सो इट्स अ सैड स्टोरी, इट्स नॉट अ हैप्पी स्टोरी, बट दैट इज़ वन स्टोरी विच विल ऑलवेज बी विथ मी. आई मीन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं खुद जाके मारती उनको. सो आई थिंक मीन एक गुंगा जानवर है, उसके ऊपर अत्याचार करके, उसको बॉदर करके, उसको इरिटेट करके क्या मतलब है? आई मीन क्यों ज़बरदस्ती उंगली करना? अब बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात 11 को इतना पसंद किया जा रहा है. एक नया सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, बहुत ही डिफरेंट है. तो एक रिस्क था, एक हम लोग ने एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू नो इट्स बीन रियली वेलकम्ड एंड पीपल आर लाइकिंग इट. सो थैंक गॉड टू इट. एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बहुत नई चीज़ें सीखने मिली. फुटबॉल मुझे नहीं आता था, अब जाके फुटबॉल वैसे भी नहीं आता है मुझे आज भी, पर आज अगर कोई मेरे साथ फुटबॉल के बारे में कॉन्वर्जेशन करेगा तो मैं वो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा पाऊँगी. एक फिल्म है जिसका नाम है सी यू इन कोर्ट, जो ये मंथ स्टार्ट हो रही है, एंड देन फेब्रुअरी देयर इज अनदर बॉलीवुड फिल्म विच इज स्टार्टिंग. सो या आई थिंक the future looks a little busy right now and I'm happy with it. It's a thumbs up from me. I mean aisa hona bahut zaruri hai. I mean hum women empowerment ki baat kar rahe, uske liye kar kya rahe, kuch nahi, muh hai bas bol diya, but actions, I think actions speak louder than words. So it's about time that दिस इज़ दी अवेकनिंग. इससे ज़्यादा और कितने किस्से चाहिए आपको समझने के लिए कि ऐसे लोगों को आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू लिव. यू नो माई मम हैज़ एक्चुअली गिवन मी एन अल्टीमेटम टूडे कि इस बार ही गई और अगर कोई कुत्ता लेकर आई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी. सो आई डोंट नो, बट मी नोइंग माई सेल्फ आई डोंट नो, मैं शायद कोई अडॉप्ट कर भी लूँ, बट कॉन्सिक्वेंसेज बाद में देख लेंगे. मेरे पास एक चुहावा है जो अभी 11 साल की है, और मैंने एक कैट भी अडॉप्ट की थी, बट आई हैड टू सैडली गिव हर अवे बिकॉज वी रियलाइज दैट आई एम सुपर एलर्जिक टू कैट फर. तो वो एक थिंग था, बट ओके इट वॉज अडॉप्टेड. सेकेंडली आई टुक इट फ्रॉम अ फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड के पास भाई और बहन दोनों थे, तो मैं बहन को लेकर आई थी, तो अभी भाई बहन दोनों साथ में है. आई एम क्लियरिंग इट. I mean, see, love can change anything, okay? So the age is not the barrier here. You can take a 2-month-old puppy also, you can take a 2-year-old dog also. It's the way you treat him, it's the way you want to have that connect with him. I mean, dogs, jahan tak main jaanti hu, the amount of love that they emit for others,
नथिंग एल्स कैन मैच इट। आई एम अ ह्यूज एनिमल पर्सन यार, मतलब माई सिस्टर श्रद्धा हैज़ अ डॉग एंड ही इज़ लाइक माई डॉग ओनली, यू नो, बिकॉज वी स्टे अप एंड डाउन। तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव माई ओन डॉग, बट आई एम अ वेरी बिग एनिमल लवर एंड वेरेवर आई सी अ डॉग ना और वेरेवर आई सी अ कैट आई ऑलवेज स्टॉप, आई ऑलवेज गो पेट, आई ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद देम बिकॉज यू नो द लव एंड दैट दैट इमोशन दैट यू गेट फ्रॉम एन एनिमल यू डोंट गेट फ्रॉम एनीबडी एल्स, यू नो, इट्स सो इट्स सो प्योर, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। लाइक मतलब मैं समझा नहीं, कोई एनिमल्स को लेके, कोई ऐसी कोई डॉग्स को लेके कोई आपको कोई मेमोरीज हो जो आपने मेमोरीज? मेमोरीज तो काफ़ी सारी है बिकॉज यू नो प्लेइंग विद द डॉग, मतलब वो जो बॉल फेंक के फिर वो वापस आके लेके आता है, तो ऑल दैट आई हैव ऑलवेज डन। बट फॉर मी जस्ट कैचिंग लाइक माई डॉग श्रद्धाज डॉग, जस्ट कैचिंग, हाँ, सो जस्ट कैचिंग दैट डॉग एंड यू नो बेसिकली प्लेइंग अराउंड, दैट्स द मोस्ट मोस्ट स्पेशल थिंग फॉर मी। सो देर इज नो पर्टिकुलर मेमोरी बट या आई जस्ट लव डॉग्स। पार्डन? No, I don't have a pet, but because my sister has a pet, it's like I have a pet. So, you know, she stays up, so it's like the same thing. काफ़ी सारे हैं बट आई हैव टू ऑब्वियसली गेट माई पेरेंट्स इन टू द पिक्चर एज वेल बिकॉज इफ आई जस्ट गो होम विद अ डॉग दे शुडंट बी लाइक ये क्या हो गया, यू नो, सो आई हैव टू गेट देम इन्वॉल्व एज वेल। थैंक यू सो मच। एक्साइटमेंट तो बहुत है लेकिन मैं एक्चुअली शब्दों में जाहिर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि इट इज़ माई फर्स्ट फिल्म, यू नो, और एवरीथिंग इज़ अ फर्स्ट, जैसे मतलब फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ है, अभी पहला गाना निकला है और अभी ट्रेलर भी आउट हुआ है, तो रिस्पॉन्स अच्छा है और सब लोग की दुआएँ हैं विच आई रियली अप्रिशिएट, और बस ऐसे ही सब निकले, सब कुशल मंगल ही हो, यही मेरा मतलब चाह है। With Akshay sir, I can't really put into words because you know I've always been a fan of his work and he's a great, great actor, and after working with him I kind of fell in love with the human being he is because I didn't know him personally. So other than that I would like to add that he made me feel really special, really like at ease, comfortable karwaya, kyunki my first scene with him was, you know, matlab butterflies ho rahe the ki matlab ऑब्वियसली अक्षय खन्ना के सामने मेरा पहला सीन है तो क्या होगा, बट ही मेड मी फील एट ईज, कम्फर्टेबल करवाया एंड फ्रॉम देन इट्स बिन जस्ट स्मूथ सेलिंग और बहुत मजा आया। नो बट दैट्स व्हाट ही इज, ही इज एक्चुअली नॉट, ही इज सो फनी, ही इज सो स्वीट, ही इज अ वेरी हार्ट वार्मिंग पर्सन, सो यू नो आई रियली रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम। बहुत प्यार करता हूँ हर किसी एनिमल से, प्यार करता हूँ। फिलहाल तो कोई नहीं है, हमारे पास था एक्चुअली, मेरे कज़िन के पास था जो मेरा ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेम्पर पास्ट अवे टू डेज बैक, बट या फिलहाल तो नहीं है जी। एक्चुअली मैं शायद लेने वाला हूँ, अभी हम घूम रहे, वी गोइंग टू टेक वन व्हेवर शी लाइक्स। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, पूरी दुनिया एक्साइटेड है दबंग 3 के लिए, तो मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ। और मैंने देखी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, मतलब ज़्यादातर देख ली है। जी क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? एक एक्शन फिल्म है, उसके बारे में ज़्यादा भी बात नहीं कर सकता, लेकिन होपफुली ये महीने या मैक्सिमम नेक्स्ट महीने में अनाउंस हो जाएगी जी। सर हैदराबाद के केस में जिस तरीके से उनको इंसाफ मिला, जस्टिस मिला, क्या वो तरीका सही था? फैंटास्टिक, मतलब जो मारा करेक्ट था, लेकिन अगर मैं होता थोड़ा और तड़पा तड़पा के मारता। सर जो उन्नाव में हुआ है अभी हाल फिलहाल में, उन्नाव में भी ये केस हुआ है जिनको जला के 90% वो ये घायल हो चुकी थी और कल रात में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, आप क्या कहेंगे उनको, किस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए? आई थिंक द सेम ना, आई थिंक द जस्टिस वाज सर्वड इन हैदराबाद, इट शुड बी डन द सेम वे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ एनीवन ट्रीट्स अ वुमन लाइक दैट, दे डिजर्व इट एंड दे डिजर्व मच वर्स। I've had lots of pets, but I've never had a dog or a cat. I've always had turtles, fish. John Manson. I've always had turtles and fish and birds.
But yeah, but I've always had my cousins and all who had dogs and cats who I was going to play with, played with. मैं एक मेरे कज़न जो जिसका मैंने कहा पास्ट अवे पेपर देयर डॉग आई यूज़ टू टेक हिम फॉर रन एवरी मॉर्निंग तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ऐसे हाई स्पीड ऐसे माइंड में ऐसे लग रहा था हम हाई स्पीड में भाग रहे हैं मैं और पेपर बीच पे तो या दैट्स आई थिंक वन माय क्लोजेस्ट मेमोरीज ऑफ मी एंड पेपर Yes, of course. So I think, oh yes, one of the other memories I have is with Saintu. So Saintu. Subhai's pet it was. And he also unfortunately passed away a year and a half, 2 years back. But I think that's the first, it was literally like my brother. We were so close. And he was with us all the time. So even when we were traveling for shoot, when I was assisting, he was always there. So yeah, so I really miss him. मैं इतनी गाली दे नहीं पाऊँगा इस पोर्टल पे, लेकिन आप समझ चुके हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं और नेक्स्ट टाइम ना कोई दिखे ना जो एनिमल को क्रूल है उसको भी दो फटके लगा दो मेरा तो मन करता है मैं किसी को देख लूँ ऐसे एनिमल को मिस्ट्रीट करते हुए दे देना चाहिए पता चलेगा ना कि एनिमल कैसा फील होता है थैंक यू सो मच